देश की रक्षा करने वाले जवान के घर 2 साल पहले हुई चोरी का आज तक नहीं हो सका है खुलासा। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की विधानसभा भगवंत नगर के अंतर्गत गांव उचगांव सनी थाना बिघरपुर जिला निवासी बजेंद्र कुमार के घर का है, जहां पर 2 वर्ष पहले हुई चोरी में लगभग 10 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था, जिसका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर ये जवान जो है लगातार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंच रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी उनके द्वारा डाला गया है। कार्यरत है और इनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, और इसी आशा के साथ ये आज उन्नाव जिला कार्यालय पुलिस अधीक्षक जी के पास आए हैं, और जिन्होंने अपना एप्लीकेशन महोदय जी को दिया है। अब इनको आशा है कि पुलिस प्रशासन इनके यहाँ जो चोरी हुई है उसका खुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार। निवास स्थान थाना बीघापुर जिला उन्नाव का रहने वाला हूँ जी। मेरे घर में 6 और 7 फरवरी 2019 को चोरों ने चोरी की थी। तब से हम लगातार प्रयासरत हैं चोरी छोड़े। मैंने पुलिस को मोबाइल नंबर दिए थे जिनके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से ये सब दबाया जा रहा है। कुल मिला के चोरी खुली रखी है और अब तो धमकी भी देने लगे। 3 नंबरों से हमें धमकी दिए हैं, जिनके नंबर हैं 78 39 31 90 04 व इंटरनेट नंबर के भी हैं 94 12 व +73 19 प्लस दोनों में लगा है इंटरनेट वाले नंबरों में तो। और ये बराबर धमकी देते हैं, रात में भी धमकी देते हैं, कभी 1:30 बजे जगा देते हैं, कभी 2 बजे, पता नहीं कब धमकी दे दें। जी सर, आप यहाँ पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला उन्नाव आए हैं, और आपका ये जो मैटर है ये कितने दिन से लंबित है, और आप एसपी साहब से मुलाकात करके आए हैं, तो एसपी साहब ने आपको क्या कहा? ये हमारा मामला फरवरी 6-7 फरवरी में हमारे यहाँ चोरी हुई थी जी। और 2019 में तब से पेंडिंग किए हैं जी। पहले तो चुनाव का बहाना बताते थे जी, फिर कहने लगे कोरोना है, कोरोना की वजह से दबाव बनाए जी। नहीं बन मतलब कर रहे हैं जी। अब जब कुछ राहत मिली है तो फिर भी खोलने का वो नहीं कर रहे हैं। हमने मोबाइल नंबर दिए थे 20 नंबर दिए थे, पहले 10 नंबर दिए थे, फिर 20 नंबर दिए थाना अध्यक्ष को जी। और कॉल डिटेल के आधार पर ये लोग फंस रहे हैं। लगभग चोरी कितने? हाँ, 10 लाख से ऊपर की चोरी है जी। आज एसपी साहब कार्यालय आए हैं, तो आप एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी जी। पूरा आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी। हमें विश्वास है अगर इस सरकार में नहीं खुलेगा तो कभी नहीं खुलेगा, इस सरकार में नहीं खुलेगा तो कभी नहीं खुलेगा, कार्यों पर विश्वास है, इसे ये लोग नहीं खोल रहे हैं। तो आपको लगभग ये जो चोरी हुई लगभग 2 साल हो गए हैं? 2 साल होने वाले हैं, फरवरी से हो जाएंगे। फरवरी से हो जाएंगे। अब ये देखना है कि प्रशासन कब तक आपके यहाँ जो चोरी हुई है कब तक खोलने का प्रयास करता है। ये पड़ोस सामने ना आवे, इनका अपराध छुपा रहे, और राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण ये हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चोरी खुलेगी, यही हमें कहना है चोरी खुले। पुलिस प्रशासन द्वारा आज एसपी ऑफिस आए हुए हैं हाँ, तो पुलिस महोदय पुलिस अधीक्षक जी ने आपको आश्वासन दिया है कि हाँ, चोरी खुलेगी, तो हाँ, इस पर आप कितना विश्वास करते हैं? विश्वास के अगर अधिकारी चाहे तो पाताल से निकाल लेंगे। हमने 20 नंबर दिए, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि अभी तक मान लीजिए 2 वर्षों से हो गया है लगातार, अभी तक चोरी नहीं खुली है, तो अब क्या इसमें कार्रवाई? हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, कुछ भी हो खोलना पड़ेगा एक न एक दिन, क्योंकि हमें पूरी जानकारी, गतिविधियाँ हम लोगों ने देखी हैं, पुलिस भी जानती है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो जो विपक्षी गण हैं तो आपको क्या धमकियां देते हैं? बिल्कुल धमकियां देते हैं, अनजान नंबर से देते हैं, इंटरनेट के नंबर से देते हैं, 2-2 नंबर इंटरनेट के दिए हैं। एक हमने FIR भी किया था जी, जिसका नंबर 78
04 है, उससे भी धमकी देते हैं, कभी 1:30 बजे धमकी देते हैं, कभी 2 बजे, पता नहीं कब जगा दें रात में। बहुत यही ये हमेशा धमकी देते हैं। अगर हमारे घर कोई आता है तो उसको